डिड यू एवर हैव ट्राइड द चर्सी कढ़ाई? क्या आप भी सोचते थे कि चर्सी कढ़ाई को चर्सी कढ़ाई क्यों कहते हैं? क्या इसमें वाकई चर्स डलता है? ये राज आज मैं आपके सामने खोल दूंगी, बस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है आपने बिना स्किप किए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद सीरीज की रेसिपी लेकर आ चुकी हूँ मैं और दो सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स के साथ बताऊंगी चर्सी कढ़ाई की रेसिपी। टाइम वेस्ट किए बिना मूव फॉरवर्ड टू द रेसिपी। और एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे पहला इंग्रेडिएंट जो है देसी घी ले लिया है। आई हैव एडेड 3-4 टेबलस्पून ऑफ देसी घी एंड शोन क्वांटिटी में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। मैंने आपके सामने जितना दिखाया है उतना ही मैंने पीस के ये डाला है। अब थोड़ा अदरक लहसुन को यहाँ पे सौते होने दें ताकि ये घुल मिल के ऑयल में थोड़ा फ्लेवर दे। टाइम टू ऐड द सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच इज़ फैट्स। सो द मैंडेटरी आइटम ओवर हेयर इज फैट्स। हमें यहाँ पे चर्बी ऐड करनी है। बकरा इदार है ना, तो बकरों की और गाय की चर्बी अब आपने संभाल के रखनी है, डिस्कार्ड नहीं करनी। और अगर आप नॉर्मल रूटीन में बना रहे हैं तो आप किसी भी बुचर की शॉप से बाय कर सकते हैं। तो चर्बी डाल के अब यहाँ पे मैं 1 kg मटन ऐड कर रही हूँ। एंड आई हैव एडेड 1 tablespoon ऑफ सॉल्ट। You can add as per your requirement. After that, I have added 1 teaspoon of black pepper powder. बस अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं और काली मिर्च डालने के बाद जो फ्लेवर आता है ना, आय हाय। According to 1 kg mutton, I have added 6-7 tomatoes. You do not have to peel it off. Just put it in a kadai. और जब आप बर्तन में रखेंगे और उसको दम में रख देना। अब मैंने इसको भारी बर्तन से कवर करके रख दिया है दम में for 10 minutes. उसके बाद टमाटर आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेंगे सॉफ्ट सॉफ्ट, तो आप आराम से इसका छिलका पील ऑफ कर सकते हैं। अब ये छिलका सब मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और टमाटो को इस मटन के मसाले के बीच में मैं अच्छे से मैश करके इसको मज़ीद भुनाई करूंगी। अच्छा, तो ये अल्लाह के दी हुई नॉर्मल सब्जियों से ही ये बना है, तो कोई फालतू का चरस नहीं ऐड किया इसमें, देख लें आप। आफ्टर दैट आई हैव एडेड 4-5 ग्रीन चिलीज। अब जैसा कि ये काफ़ी नहीं था तो मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए। एंड यू कैन स्किप दिस, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको ये डालने ही डालने हैं, बस टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है और देखें तो सही, गरम गरम ऑयल के बबल्स आ रहे हैं, कितनी तड़फ रही है देख लें, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये देख के आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई की है और यहाँ पे इसकी मैंने गार्निशिंग कर दी हरी मिर्ची और अदरक के जूलियन कट से। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह देखें। इसके 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स थे देसी घी और चर्बी। इसके बिना चर्सी कढ़ाई का वो टेस्ट नहीं आएगा। अगर नॉर्मल ऑयल में बनाएं तो आपको देसी घी के साथ फ़र्क ज़रूर लगेगा। तो कितनी सिंपल रेसिपी है, झटपट 4-5 चीज़ों में बन गई है। जल्दी जाएं, ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो नाराज़ हो जाऊंगी।